डीएफसीएसपी फ्रेंड्स, आपको पीआरबी ऑनलाइन ज्ञान पे स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे आगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का टॉपिक है पेरी सर्विस को कैसे अपडेट करें। पहले क्योस्को पोर्टल को लॉगिन कीजिए, उसके बाद रिपोर्ट पर जाइए और ऑनलाइन रिपोर्ट को क्लिक कीजिए। आपका रिपोर्ट स्क्रीन आ गया, उसके बाद डाउनलोड फाइल को क्लिक कीजिए, उसके बाद योनो कैश ड्राइवर को क्लिक कीजिए, उसके बाद डाउनलोड फाइल को क्लिक कीजिए। आपके पास कौन सा माइक्रो एटीएम है, उस डिवाइस का नेम लिखा है, उसे सिलेक्ट कीजिए और क्लिक कीजिए। उसके बाद डाउनलोड को क्लिक कीजिए। फाइल को सेव एज पर क्लिक कर डेस्कटॉप पर सेव कीजिए। उसके बाद पेरी सर्विस को अनइंस्टॉल करेंगे, इसलिए पोर्टल को लॉग आउट कीजिए। सर्च बार पर जाइए और कंट्रोल पैनल टाइप कीजिए। उसके बाद ऐसा एक स्क्रीन आ जाएगा, प्रोग्राम एंड फीचर को क्लिक कीजिए। उसके बाद पेरी सर्विस को अनइंस्टॉल कीजिए। उसके बाद डेस्कटॉप पर जाइए और योनो का जीप फाइल को राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद एक्सट्रैक्ट हियर को क्लिक कीजिए। आपका जीप फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया। उसके बाद योनो फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद न्यू एसबीआई पेरी सर्विस नीड टू इंस्टॉल को ओपन कीजिए। उसके बाद न्यू पेरी सर्विस एसबीआई प्रॉड योनो को ओपन कीजिए। उसके बाद रिलीज को ओपन कीजिए। उसके बाद सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऐसा एक स्क्रीन आएगा, कंफर्म इंस्टॉलेशन, आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद थोड़ा वेट कीजिए, इंस्टॉलेशन हो रहा है। उसके बाद क्लोज पर क्लिक कीजिए। आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद सर्च बार पर जाइए और सर्विस टाइप कीजिए। उसके बाद पेरी सर्विस को चूज करके राइट क्लिक करके स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। पेरी सर्विस स्टार्ट होने के लिए प्रोसेसिंग हो रहा है। आपका पेरी सर्विस सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो गया है। वीडियो देखने के लिए मेरे सीएसपी भाइयों को धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।